अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाया। ईद उल अदा आ रही है, इसलिए बनाएंगे स्पेशल पाया। ईद उल अदा के टाइम हर घर में पाये जरूर रहते हैं, तो आप मेरी रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए बर्तन में 4 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। गरम हो गया है, अब डालेंगे खड़े मसाले जो यूं है के 2 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। ये सब अच्छे से चटक गए हैं, अब डालेंगे 3 मीडियम साइज प्याज कटी हुई। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये अच्छे से भून गया है, अब डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, अब डालेंगे 1 टमाटर कटा हुआ। बहुत सारे लोग पाये में टमाटर नहीं यूज करते हैं, फिर भी इधर 1 टमाटर ली हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालो, वरना स्किप कर दीजिए। अब हम टमाटर गलने तक ढककर स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब डालेंगे मसाले पाउडर जो यूं है के 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। सबको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों में थोड़ा पानी डालकर भून लेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले। स्वाद अनुसार नमक। मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे ताकि मसालों में से थोड़ा तेल छूट जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है और तेल भी छूट गया है, अब डालेंगे पाया। मैंने 1 डजन पाया लिया है और इनको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। ये देखिए पाये के बीच में बालों की घट्टी रहती है, उसको निकाल कर फेंक दो। पायों के पीछे की नली भी मैं डालकर पका रही हूँ। ये नलियाँ डालने से सालन में चिकनाई आती है और सालन स्वाद भी बनता है, इसको मत फेंकिए। सालों में पाया डालकर 2 मिनट भून लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कुकर में भी बना सकते हो, मैं इधर पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में जल्दी बन जाता है 30-35 मिनट में। यही सेम प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हो। मैं इधर गरम पानी 1 लीटर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इधर बॉइल पानी डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। मुझे इधर नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं और नमक ऐड कर रही हूँ। ढक कर स्लो फ्लेम पर छोड़ेंगे और हर आधे घंटे में चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, अभी हम चेक कर लेंगे। फिर से हम इसको ढक कर फिर आधे घंटे के बाद इसको चेक कर लेंगे। यही प्रोसेस 3-4 बार कर लीजिए।
देखिए पाया अच्छे से गल गया है। अब हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे। पाया बनने के लिए हमको 2 घंटे और 45 मिनट लगे हैं। ये सालन बहुत अच्छा बना है और स्वाद भी बहुत अच्छा है, और बकरीद में जरूर बना के ट्राई करना। देखिए पाया बन के तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। पाए के सालन को हम सर्व कर लेंगे परोठे के साथ में। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी को भी बजा देना। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।